हॉरोस्कोप रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। तो आज हम देखते हैं कि ये महीना हर एक जोडियक साइन के लिए कैसे जाने वाला है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे एरीज से। तो एरीज, आपके लिए ये महीना कैसे होने वाला है, लेट्स सी। एरीज, आपके लिए कार्ड आया है सिक्स ऑफ कप्स। तो सिक्स ऑफ कप्स बताता है कि आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत सुंदर होने वाले हैं, आप अच्छे अच्छे लोगों से मिलने वाले हो और आपको स्पेशली आपके माँ के लिए कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि इससे आपका मून इम्प्रूव होगा और उससे आपका कैश फ्लो इम्प्रूव होगा। तो हो सके एरियंस, आप अपनी मम्मी को कोई ना कोई गिफ्ट भेजिए या उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनके पैर पड़िए और उनसे काफी सारा आशीर्वाद लीजिए। फॉर टॉरस मुझे आया है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि आपका जो मनी फ्लो होने वाला है, मतलब जितना आप स्पेंड करोगे उतना ही आपको रिटर्न में मिलने वाला है, तो बैलेंस बना पड़ा रहेगा और आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो भी बैलेंस में रहेंगे। तो ये जो मंथ है आपका, जो सितंबर मंथ है, उसमें जो भी चीजें जो आपकी चलेगी उसमें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट तो नहीं है, बट इक्वल मनी फ्लो, इक्वल रिलेशनशिप्स में बैलेंस और कोई भी हेल्थ कह लो या कोई भी चीज में आपका बैलेंस अच्छा रहेगा। सो दिस इज अ गुड मंथ फॉर यू। कमिंग टू जेमिनाइज, जेमिनाइज आपके लिए आ रहा है कार्ड हैंगमैन, जो बता रहा है कि आपको थोड़ा सा झुक के चलना पड़ेगा। आपको अगर कोई भी चीज चाहिए किसी से, आपके बॉस से आपको प्रमोशन चाहिए, आपकी पार्टनर से आपको लव चाहिए या आपको किसी से कोई भी चीज हासिल करनी हो, तो आपको थोड़ा सा झुक के चलना पड़ेगा, आपको थोड़े से सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे इस मंथ में, तो ही आपके काम बनेंगे। अगर आप थोड़ा एटीट्यूड दिखाएंगे या आप लोगों से एरोगेंट बनेंगे तो आपके काम नहीं होंगे। कमिंग टू कैंसेरियंस, तो उनके लिए कार्ड आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जो बता रहा है कि मेहनत का फल मीठा होगा। तो जितनी आप मेहनत करोगे, जितनी आप आपके सोशल मीडिया पे आप दिखोगे, उतना ही आपको नेम फेम सक्सेस मिलेगा। तो आपको थोड़ा सा सोशलाइज करना है, आपको आपके रील्स वगैरह जो वीडियोस हैं वो अच्छे अच्छे बना के पोस्ट करने हैं, शो ऑफ से ही आपका रिकग्निशन होगा। कमिंग टू लियोस, लियोस आपका जो ये मंथ है इसमें आप बहुत सारी प्लानिंग तो कर रहे हो लेकिन कोई भी चीज एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो। तो ये महीने में जो भी आपने प्लानिंग पिछले महीनों में करके रखी है, ये मंथ में आपको उसको एग्जीक्यूट करना है, वरना आपके जो प्लान्स आपके बुक में लिखे हुए वो वहीं पड़े रहेंगे और आपका कुछ काम नहीं होगा। तो एक्शन कीजिए, तभी सब कुछ मिलेगा। नेक्स्ट आ रहा है वर्गोस। वर्गोस आपके लाइफ में बहुत सारा ट्रैवल आ रहा है, बहुत सारी सक्सेस, फास्ट सक्सेस आ रही है, बिना कुछ काम किए भी आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। बट मेरी एडवाइस है कि थोड़ी मेहनत करना, क्योंकि मेहनत का फल बहुत मीठा होता है। तो आप ये मंथ बहुत ट्रैवल भी कर सकते हो, तो जल्दी जल्दी अपनी बैग्स बना के रख दो, क्योंकि एयर ट्रैवल और फॉरेन ट्रैवल भी लिखा हुआ है। कमिंग टू द लिब्रास, आपके लिए परफेक्ट कार्ड आया है, जो है आपका ही कार्ड, वो है ये है आपका जस्टिस कार्ड, जो आपको बता रहा है कि आप उस चीज में बिलीव करते हो कि जो हम कर्मा करेंगे उसका फल तो हमें मिलके ही रहेगा। तो ये टाइम है, ये मंथ है जहां पर जो चीज आप करोगे उसका आपको फल मिलेगा। अगर आप कोई कोर्ट केस में हो या कहीं आपको एलिमनी मिलनी है या आपका कहीं केस फंसा हुआ है, उस चीज में आपको सक्सेस मिलेगी, उस चीज से आप बाहर आओगे और ये मंथ जो है आपको जो भी आपके कर्मा है, आपने अच्छे कर्मा किया है, उसका फल आपको देते ही जाएगा। कमिंग टू द स्कॉर्पियंस, स्कॉर्पियंस आप ये महीने में कुछ न्यू स्टार्ट करने वाले हो, कोई न्यू बिजनेस आइडियाज आपके माइंड में आ सकती है या तो कोई न्यू जॉब होगा और आप कहीं भी पैसे भी इन्वेस्ट कर सकते हो लैंड में, और उससे आपका जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो डबल ट्रिपल होकर आपको मिलेगा।
कमिंग टू सैजिटेरियंस, सैजिटेरियंस इस टाइम ये मंथ में आपकी एनर्जी बहुत फास्ट है, तो आपका मन है कि मैं जल्दी जल्दी अचीव करूं और जल्दी अपने मुकाम पे पहुंचूं, बट लेट मी रिमाइंड यू दैट हेस्ट इज वेस्ट. तो जितना आप फास्ट चीजें करोगे आप वहां पर कुछ ना कुछ गूफ अप करोगे, आपकी कुछ ना कुछ गलतियां होगी या आपको कहीं ना कहीं एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं. सो जस्ट बी केयरफुल कि आप गाड़ी फास्ट ना चलाएं या कोई भी डिसीशंस, इंपॉर्टेंट डिसीशंस में जल्दबाजी ना करें. कमिंग टू द कैप्रिकॉर्न्स, आपको आपका अच्छा कोई पार्टनर मिलने वाला है, या तो आपकी जो पुरानी फ्रेंडशिप, जो आपकी फ्रेंड्स आपसे बिछड़ गई थी, आपकी रीयूनियन होने वाली है, कॉलेज रीयूनियन हो सकता है, पार्टनरशिप, आप पार्टनरशिप में भी काम कर सकते हो. और आपका ये मंथ अच्छे अच्छे लोगों से मिलने का एक प्रॉमिस दे रहा है, तो आप है ना अच्छी नेटवर्किंग कीजिए, क्योंकि आपको इससे अच्छा बिजनेस मिल सकता है और आपके रिलेशंस भी अच्छे लंबे समय तक चलेंगे. कमिंग टू अक्वेरियंस, अक्वेरियंस आपके लिए एक बहुत सुंदर महीना है, जहाँ पर आपने जो भी पैसे बनाए हैं आपकी लाइफ में वो इन्वेस्ट करेंगे कोई अच्छी प्रॉपर्टी में. आप एक फार्म हाउस भी ले सकते हो, या तो ये कार्ड ऑल्सो कहता है कि आप सेल्फ ग्रूमिंग पे बहुत पैसा खर्च करोगे, आप स्पा जाओगे, आप पार्लर जाओगे और आप अच्छी अच्छी ट्रीटमेंट्स कराओगे. तो ये मंथ जो है वो सेल्फ डेवलपमेंट के लिए है. तो जितना आप अपनी तबीयत का ध्यान रखोगे, खाने पीने की नेचुरल चीजें लोगे, नेचुरोपैथी में जाओगे, उसमें आपको फायदा होगा. कमिंग टू द लास्ट सन साइन, दैट इज द पाइसियंस. पाइसियंस आप भी बहुत डे ड्रीमिंग कर रहे हो और बहुत सारी आइडियाज आपके माइंड में है जो आप करना चाहते हो. आपको बहुत सारा आपकी ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, आपको ये करना है वो करना है, बट वो पाइसियंस वैसे भी ड्रीमर्स होते हैं लेकिन कुछ करते नहीं है, अपनी सपनों की दुनिया में जीते हैं. बट यहाँ ये कार्ड कह रहा है कि अगर आप वो ही ड्रीम्स पे एक्शन करोगे, कुछ करके दिखाओगे, तो वो आपकी ड्रीम्स मैनिफेस्ट होगी. तो ऑल ये जो भी सन साइंस हैं, आपकी ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो हमें जरूर बताइए हमारे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि हमें बहुत खुशी मिलती है कहाँ जब हमारी रीडिंग्स आपके जो भी एक्शन से रेजोनेट होती है, हमें प्रेरणा देती है कि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाएं. और आप हमें जरूर बता सकते हैं कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर टाइप की वीडियो चाहिए हमारे तरफ से, तो जरूर वो भी हमारे साथ शेयर कीजिए. टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट मंथ अहेड.